भाई अगर साय का सीजन 2 बनाना है तो ये तो करना ही पड़ेगा। ये नहीं है कि प्रोजेक्ट इंटरेस्टिंग नहीं है, प्रोजेक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज हम गुजरांवाला जाएंगे और गाड़ियों के बारे में प्रोजेक्ट है, आपको ऐसा ऐसा पता चलता जाएगा। लेकिन आज सुबह सुबह मैं इस्लामाबाद से निकला हूँ, अभी लाहौर पहुँचा हूँ और आज रात को मैं फिर इस्लामाबाद आऊँगा, तो कुछ ज़्यादा ही सफ़र हो गया। शट अप, तुझे पता है जिनसे तू मिलने जा रहा है वो पिछले 10 दिन से सफ़र करते हुए आ रहे हैं, कराची, हिंगोल, सखर, चोलिस्तान, भावलपुर, मुल्तान, मतलब कि साउथ ऑफ लाहौर सब कुछ देख के आ रहे हैं। यार एहसान, ये AC वही इधर लगे हुए हैं। ये जो पीछे देख रहे हैं ना, सुनील भाई खड़े हुए चैंपियन आदमी, 120 पे पढ़ते हुए हमें लेके आए हैं कनाल के ऊपर, और डर भी नहीं लगा। ये पहले से स्टॉप डिसाइड कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे स्टॉप करना है। जो आप देख रहे हैं मेरे साथ, BRV पाकिस्तान के रंग, BRV के संग, ये 6 गाड़ियाँ हैं हमारे साथ। ये गाड़ी उसके लिए जो कि जॉइंट फैमिली में रहता हो, 2 फैमिली इकट्ठी जा रही हैं, यहाँ पर बच्चे बुच्चे हैं। पाकिस्तान में MPV की मार्केट बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, लॉन्ग टर्म में वैसे उस लाइन से बड़ी अच्छी गाड़ी इस पर ऑन कोई नहीं है। MPV क्या होता है? MPV होती है मल्टीपर्पज़ व्हीकल। पाकिस्तान में अगर आपने जनरली हाईवे पे जाना होता है ना, तो पहले कॉन्सेप्ट ये था जी क्रोला लो होंडा, मतलब होंडा नीचे लगती थी। तो इस गाड़ी के अंदर ये है कि इनका जो है ना क्लियरेंस, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी है, तो उनका क्लेम यही है कि ये हर जगह पे जा सकती है। यार ये इनने डेक के अंदर ब्लूटूथ नहीं दिया। इस सफर में हमारे साथ 21 लौंडे हैं एंड नॉट ए सिंगल गर्ल। पेशे खिदमत पहले 2 लौंडे, जूही चावला का तो आप पहले से जानते ही होंगे। इनके साथ बैठे हैं ताहा अंसारी, ही इज अ क्रेजी ड्राइवर। और अभी हम पास करने वाले हैं टोल प्लाजा लाहौर का और जा रहे हैं, हम जा रहे हैं अभी, पहले जाएंगे गुजरांवाला और उसके बाद सियालकोट। तो मैं तो बैठा हूँ, जहाँ लेके जाएंगे चले जाऊँगा। खाना खाते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत नाश्ता किया था, और ये स्वीट्स सी गाड़ियाँ यहीं पे छोड़ते हैं। व्लॉगर्स, ड्राइवर्स, ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स, यानी कि करवाने खिचड़ी में हम सारे शामिल हैं। ये आप देख रहे हैं, बहुत मुझे बात पसंद है क्योंकि खानदान के इदारे के बगैर इंसानियत ही नहीं कायम रह सकती। हमारे साथ हनीफ भट्टी साहब हैं जो ये हमारे साथ हैं हनीफ भट्टी साहब जो पाक बिल्स के ओनर फाइंडर हैं, ये हैं हनीफ भट्टी साहब। इन्होंने अपने घर की बेसमेंट से पाक बिल्स को स्टार्ट किया था, 1-15 साल पहले की बात है। भट्टी साहब ने पहियों को घूमते देखना चाहा और इसी चक्कर में पहियों ने भट्टी साहब को भी बहुत घुमाया। इस फोटो का टाइटल है लेजेंड, लेकिन जैसे कि इन हजरत ने कमेंट किया, द रियल लेजेंड इज बिहाइंड द कैमरा, मोहम्मद हनीफ भट्टी। हनीफ साहब हैं, हनीफ साहब हैं, और सर इकबाल गांगला, इकबाल गांगला, इकबाल गांगला सर। रास्ते के कुछ रोज पे तो नारकी बची हुई थी, साइकिल, मोटरसाइकिल, रिक्शे, रेड़े, ट्रैक्टर सब एक ही लेन में चला रहे थे, मगर सुनील भाई ने अपनी कातिल ड्राइविंग के साथ सब मैनेज कर। और ये 6 गियर्स का क्या गेम है? यार ये 6 स्पीड मैनुअल है, इसका फायदा ये होता है कि आपकी जो फ्यूल एवरेज है ना वो बड़ी अच्छी आ जाती है। सो अभी देखे ना, मैं इको मोड ऑन हुआ है इसका, और जो अभी ये बता रही है 13.8 बता रही है अभी फिलहाल। और सड़क पे कुछ जुनेजो के दोस्त मिले हमें। सुनील भाई हमें UMT यूनिवर्सिटी ऑटो शो दिखाने ले गए, गाड़ियाँ तो बस हैं जी। और मुरु भाई ना सो रहे हैं, आप लोगों दिखाओ। उठा तो पता चला कि हम कलकहार पहुंच चुके हैं, तो सारे लौंडों को इकट्ठा किया और एक ड्रोन शॉट ली। ये चीज आज रात हमने गुजारी है कलर का हार में, और ये सबसे पहले हम ये पहाड़ी के टॉप पे जाएंगे, वहां से कैप्चर करेंगे सारी गाड़ियों का और जो फॉर्मेशन है उसको, उसके बाद कटास, और कटास के बाद खेड़ा से होते हुए वापस मोटरवे पे। मुरु भाई आप रेडी हैं ना? मैं रेडी हूं। ऐसा वैसा आई एम फुल टाइम हैकर, हैकर फुल टाइम हैकर, आई एम अ हैकर, आई एम अ हैकर। इस ज़मीन की तारीख में बेशुमार दीन पाए जाते हैं। ये ज़मीन जो अब मुसलमानों की मानी जाती है, पहले हिंदुओं की थी और उससे पहले बुद्धिस्ट्स की। गर्ज ये कि इस बेजान ज़मीन का कोई ईमान नहीं होता, वो तो इंसानों का अमल है। ये कटास राज मंदिर, और मैं अंदर चला गया हूँ, परमिशन नहीं है। सबसे खूबसूरत पॉइंट श्री रामचंद्र टेम्पल, जिसे हिंदू भगवान, हिंदू रिलीजन में शंकर भगवान के नाम से याद किया जाता है। कटासरा से निकले और मोटरवे पे चढ़े, एक नोटेबल चीज नजर आई, मैंने कहा आपको भी चेक कराता हूं। मोटरवे का लग्जरी बाथरूम मुलायसा फरमाई है।
₹50 वेल स्पेंट। दोस्तों अभी हम क्योड़ा माइंस आए हुए हैं, यहाँ पे काफ़ी सॉल्ट लैम्प्स मिल रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो सेहत के लिए काफ़ी मुफीद होते हैं। मैं इस बात के बारे में साइंसी जानकारी नहीं रखता, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं नीचे कमेंट्स में कि ये एक्चुअली आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं कि नहीं? आप जितना माइंड के अंदर आते जाते हैं उतना ही सन्नाटा होता जाता है। इन नमक के गारों का सेहत पे असर तो अभी तक साइंसदान नहीं साबित कर पाए, मगर इन सॉल्ट फॉर्मेशंस की खूबसूरती को कोई नहीं डिनाई कर सकता। तो माशाल्लाह ये कुदरती है, किसी ने बनाया हुआ नहीं है, और पानी की ये बूंदें गिर रही हैं और ये बन रहा है ऑटोमेटिकली। सुभान अल्लाह। ये मेरे पीछे नमक का तालाब है जिसमें आप डूब नहीं सकते, क्योंकि इंसानी जिस्म की डेंसिटी इस पानी की डेंसिटी से कम है। अभी मैं एक ग्रुप के साथ आया, लेकिन मैं तसव्वुर कर सकता हूँ कि अगर इंसान यहाँ पे अकेला आ जाए तो ये रूहानी तसव्वुर होगा। कुछ देर में मुझे घुटन सी होने लगी और हमने बाहर निकलने का फैसला कर लिया। हमने कच्चे में लिटाई, 170 पे बगाई, बारिश में भी चलाई और देहातों से गुजरते हुए इस्लामाबाद की तरफ निकल गए। अच्छा, ये जो सारा सफ़र किया जा रहा है ना, हम दो दिन पहले इधर इस्लामाबाद में ही थे और फिर वापस लाहौर गए और अब फिर वापस इस्लामाबाद आ गए, वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हम होंडा BRV का रिव्यू आपको देना चाह रहे हैं। तो मैंने बुनियादी किस्म का आपको रिव्यू दिया, बाकी सारा जो टेक्निकल रिव्यू है ना, मैं कोशिश करता हूँ सुनील भाई हमें दे दें, क्योंकि पार्किंग्स के हैं और उनको बड़ी टेक्निकल नॉलेज है गाड़ियों के बारे में। तो यूजुअली मैं सुनील भाई का जाकर रिव्यू देखता हूँ और मैं मुख्तसर करके खुद बोल देता हूँ, लेकिन आज मुझे सुनील भाई मिल गए। ये हेड यूनिट सारों में सेम है? ये हेड यूनिट जो बेसिक आती है ना, जो ऑटोमेटिक में आती है, बेसिक वाली लोअर वर्जन जो है, ये उसमें ये वाला होता है। जो एस टाइप आती है उसके अंदर जो है टीवी नेविगेशन है, अलॉय रिम्स है, सारा कुछ है। तो उसमें ब्लूटूथ भी है? उसमें सारा कुछ है, उसमें तो DVD रिवर्स कैम सब कुछ है। और जो चीज इसमें फर्क है वो ये है कि इसके डोर हैंडल क्रोम के नहीं है, इसमें अलॉय व्हील्स नहीं है, बाकी इसमें फैब्रिक सीट्स हैं जो कि मेरे ख्याल से उसकी लेदर वाली से बेहतर है। और एक चीज जो रात को मुझे अजीब सी फील हुई थी, इसके स्टीयरिंग जो है ना, इसमें स्टीयरिंग कंट्रोल जो है वो रात को तकरीबन इसमें कोई लाइट नहीं थी। एहसान को बड़ा बुरा लगा कि इसके सेंटर में वो आर्मरेस्ट नहीं है, इधर भी आर्मरेस्ट नहीं है और पीछे भी आर्मरेस्ट नहीं था। बिल्कुल नहीं है, सेंटर आर्मरेस्ट इसलिए नहीं है बिकॉज़ इन्होंने इसको 7-सीटर बनाया, तो अगर आर्मरेस्ट दे देंगे तो फिर पीछे बंदे नहीं बैठ सकेंगे। बट गाड़ी की अगर आप देखें, ABS ब्रेक्स अच्छी हैं, गाड़ी की सस्पेंशन बहुत अच्छी है, पिक इस गाड़ी की आउट क्लास है, मतलब 1.5 लीटर और मैनुअल गाड़ी बेहतरीन है। ओवरऑल मेरे ख्याल से मैं इस गाड़ी को अगर कंपेयर करूँ ऑटोमेटिक से, अगर मैं उसको 10 में से रेट करूँ तो मैं उसको 10 में से 6 दूंगा और इसको मैं दे दूंगा 7.5। और कंपेटिटर है जिसकी वजह से जो ज्यादा इससे बेहतर इसलिए आप दे रहे हैं? या ये कंपेटिटर इस लिहाज से नहीं बिकॉज इट्स एन MPV और ये पहली MPV जो पाकिस्तान में लॉन्च की गई है, तो इसका उस कैटेगरी में कोई कंपेटिटर नहीं है। बट इस कैटेगरी को पाकिस्तान में समझने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। सो मेरे ख्याल से होंडा इज अहेड ऑफ टाइम। अगर आप आज से 2-3 साल बाद देखें सो यू विल सी, और बेशक ये जब ब्लॉग लाइव भी जाएगा उसके 2-3 साल बाद भी लोग देख सकते हैं कि मेरी प्रेडिक्शन सही थी कि नहीं थी। 2-3 साल बाद आपको पाकिस्तान में MPVs की एक बहुत बड़ी मार्केट मिलेगी। सुनील भाई रिव्यू बहुत अच्छा देखते हो, गाड़ी बहुत खतरनाक चलाते हैं। गाड़ी अच्छी है, अच्छी मुझे तो पसंद है गाड़ी भाई। गानों की प्लेलिस्ट ने मेरी चोरी कर ली है। और ये रास्ते में हमने तो इस्लामाबाद तक इस कारवां में सफर किया, मगर इनका अभी काफी बाकी है। ये जा रहे हैं चाइना बॉर्डर खुंजराब पास तक। असल में मुझे ये आगे अपनी बीवी को देने पड़ेंगे, फड्डा चल रहा है।